हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 की पैनल लिस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह में मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी अहमदाबाद जोन की जो है पैनल लिस्ट, यहाँ पर पैनल लिस्ट पार्ट वन यहाँ पर जो है जारी कर दी गई है। छात्रों का नाम करीबन 4000 कुछ छात्र हैं जिनका नाम पैनल लिस्ट में जारी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब लिस्ट जारी की तो काफ़ी कॉमेंट्स थे कि सर, बहुत से छात्र ये कह रहे हैं कि सर, जब हमारा नाम लिस्ट में है तो किस डिवीज़न में हमारी ज्वाइनिंग होगी और कब तक हमें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और किस जो है अंतर्गत जो है आपकी ज्वाइनिंग है डिवीज़न, कैसे फैक्टर है जो है इसका फैक्टर किया जाता है, किस तरह से जॉब को जो है दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कई सारे आपको देख रहे हैं, BCT, BRC, RTM, ADI, BVC, RJT, वर्कशॉप। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरह से जॉब के लिए फैक्टर किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ कमेंट्स थे छात्रों के जो पूछ रहे हैं कि सर, हमारे फिजिकल भी कंप्लीट है, मेडिकल भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट है, मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उनके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कमेंट्स ये है कि सर, प्रेफरेंस बदलने का मौका मिलेगा, जॉब प्रेफरेंस जो है वो क्या बदलने का मौका मिल सकता है पोस्ट के लिए, क्या नहीं मिल सकता है, वो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो जितने भी रेलवे ग्रुप डी के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो को कम्प्लीटली देख लीजिएगा, जिससे उनको आसानी से समझ आ जाए कि इस कैसे क्या रहता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी मैंने वीडियो भी एनालिसिस किया यूट्यूब पर, तो वहाँ पर बता रहे हैं कि आपको किस डिवीज़न में ज्वाइनिंग मिलेगी आपको पैनल लिस्ट में नाम आने के बाद। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियली बेस्टर रेलवे की हमने यहाँ पर लिस्ट ओपन कर ली है। जो छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमारी जो लिस्ट है, हमारे अच्छे मार्क्स आए, हम सभी में DV मेडिकल में भी क्वालिफाई हैं, लेकिन हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया है और हमसे कम नंबर वालों को भी लिस्ट में नाम आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 4050 छात्रों को क्वालिफाई किया गया है और ये लिस्ट जो है नॉन PWPD वाली है। ठीक है, यानी कि जनरल OBC ST नॉर्मल छात्रों की, यानी कि PWD की अभी लिस्ट नहीं आई है। तो जो लिस्ट है यहाँ पर 4050 छात्रों को क्वालिफाई किया गया है। अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी इसकी अहमदाबाद जोन में 6087 वैकेंसी समथिंग है। ठीक है, 6087 वैकेंसी समथिंग है। तो यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है, तो यहाँ पर करीबन 6087 कुल वैकेंसी हैं और इसमें 4050 छात्र क्वालिफाई किए गए हैं। तो 2000 करीबन 37 छात्र अभी भी लिस्ट जगह खाली है आपकी अहमदाबाद जोन की। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है फोर्थ नंबर में कि रिजल्ट ऑफ PWBD एंड सम ऑफ नॉन PWBD कैंडिडेट्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एंड सेल बी डिक्लेयर्ड एट ए लेटर स्टेज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ लेड डाउन रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर बोला गया है कि अभी PWBD, देखिए PWBD की तो लिस्ट जारी हुई नहीं है, अब जो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी वो PWBD वाले छात्रों के लिए जारी की जाएगी। और साथ में यहाँ बोला गया है कि नॉन PWBD वाले, यानी कि जो लिस्ट अभी भी जारी की गई 4050 छात्रों की, वो नॉन PWBD वाले की लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ छात्र रह गए हैं। तो यहाँ पर PWBD वाले और नॉन PWBD वाले दोनों छात्रों को मिलाकर एक सेकंड लिस्ट और जारी की जाएगी। ठीक है, जैसे इसकी सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, हम तुरंत वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए और आप देख सकें लिस्ट को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप सभी में क्वालिफाई हैं और अच्छे मार्क्स हैं। तो यार, साफ साफ बोल दिया गया है कि अभी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, कुछ नॉन PWBD वाले छात्र हैं उनको लिस्ट में नहीं लिया गया है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें आप, आपका नाम बिल्कुल भी लिस्ट में सेकंड वाली में आने वाला है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात की जाती है, क्या छात्र कह रहे हैं कि सर, क्या DV की सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, सेकंड लिस्ट आपकी मान लीजिए वैकेंसी जो है यहाँ पर 4050 छात्र क्वालिफाई किए गए हैं। ठीक है, सेकंड लिस्ट और टोटल वैकेंसी 6087 है। तो आप देख सकते हैं, इसमें अगर माइनस करते हैं तो 2037 वैकेंसी अभी भी अहमदाबाद जोन में क्वालिफाई है। तो अब जो सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी PWBD की, और कुछ छात्र रह गए हैं जो नॉन PWBD वाले हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिलाकर इतने 2037 छात्र बन रहे हैं, तब तो डीवी के लिए सेकंड लिस्ट सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए अगर
इन PWBD और नॉन PWBD दोनों को मिलाकर अगर 2037 छात्र नहीं हो पा रहे हैं पूरे, तो आपकी DV की सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन ना लें बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ पर अगर इतने छात्र नहीं बन पा रहे हैं PWBD वाले और नॉन PWBD के, तो सेकंड लिस्ट आपकी DV और मेडिकल के लिए जरूर जारी की जाएगी। अगर इतने 2037 छात्र अगर हो पा रहे हैं कंप्लीट, तो आपकी इस DV की सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ गया है तो किस डिवीजन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, किस तरह से होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अहमदाबाद जोन में कौन कौन से डिवीजन आते हैं। अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है अहमदाबाद जोन से, तो कौन से डिवीजन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, चलिएगा फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, हम ऑफिशियली वेबसाइट पर हैं वेस्टर्न रेलवे की, और जो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से डिवीजन आते हैं वो यहां पर हम देख लेते हैं। वेस्टर्न रेलवे डिवीजन ऑफिसर ऑपरेटिंग कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, यहां देख सकते हैं आप। एक है आपका मुंबई सेंट्रल, जिसे हम BCT नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग दे दी जा सकती है मुंबई सेंट्रल में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ोदरा, जिसे हम BRC नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब दी जा सकती है। उसके बाद अहमदाबाद जो है, जहाँ पर ADI नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब दी जा सकती है। डिवीजन है ये फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स रतलम है, यहाँ पर RTO नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब दी जा सकती है। उसके बाद राजकोट है, RJT नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब दी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर है भावनगर, भावनगर BBC नाम से जानते हैं, यहाँ पर भी आपको जॉब दी जा सकती है। तो इतनी डिवीजन है आपके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख लेते हैं कुछ वर्कशॉप है, उन वर्कशॉप के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेस्टर्न रेलवे का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्कशॉप दी है PL वर्कशॉप यानी पैरल वर्कशॉप, MX वर्कशॉप यानी कि महालक्ष्मी वर्कशॉप, उसके बाद PRTN यानी प्रताप नगर वर्कशॉप, ठीक है। उसके बाद SBI वर्कशॉप यानी कि साबरमती वर्कशॉप, उसके बाद DHW यानी कि दाहोद वर्कशॉप, उसके बाद यहाँ पर है BVP यानी भावनगर वर्कशॉप। तो फ्रेंड्स आपकी 6 वर्कशॉप है, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर दे रखे हैं आपके डिवीजन, किस डिवीजन में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इनमें से 6 डिवीजन है, इन 6 डिवीजन में से किसी एक डिवीजन में आपको जॉब मिलने वाली है। उसके बाद ये 6 आपकी वर्कशॉप है, ठीक है, इन 6 वर्कशॉप में से किसी एक वर्कशॉप में आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स बात ये आती है कि किस डिवीजन में हमको जॉब मिल सकती है और किस डिवीजन में जॉब मिलने वाली है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी कि जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें एक सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सेकंड नंबर पैराग्राफ में साफ साफ ये मेंशन हो रखा है कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन यूनिट शैल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स एंड शैल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस ऑप्शन एसेट्रा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी डिस्पैच्ड बाई रेस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट। यहाँ पर बोला गया है कि आपकी जिस पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि जिस डिवीजन की जिस यूनिट का आपको पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाएगा, वो आपकी जो है वैकेंसीज एबिलिटी यानी वैकेंसीज की क्षमता देखकर किया जाएगा, और साथ ही आपकी किस मेडिकल फिटनेस में आपके क्वालिफाई किया है मेडिकल फिटनेस, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड का मेडिकल फिटनेस आपने क्वालिफाई किया गया है उसको देखा जाएगा, और आपने ऑप्शन यानी कि आपने किस पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से भरा है वो आपका देखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स देखा जाएगा कि आपने किस डिवीजन में कितने डिवीजन में किसकी जो 6 डिवीजन है आपके, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको उन 6 डिवीजन में कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है उनको देख करके आपको पोस्ट दिया जाएगा, आपके मेडिकल फिटनेस को देख कर दिया जाएगा और आपकी पोस्ट को प्रेफरेंस को देख कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है डिवीजन को अलॉटमेंट किया जाएगा, और जिस भी डिवीजन में आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, जिस भी डिवीजन में आपको जॉब दी जाएगी, उसी डिवीजन से आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर यानी अपॉइंटमेंट लेटर आपको जो है दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। सपोज डेट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मुंबई जोन में आपने किसी भी पोस्ट को यानी पॉइंट्समैन की पोस्ट मान लीजिए, अगर आपने पोस्ट प्रिफर्ड किया है सबसे पहले, और आपने इसी का पॉइंटमैन का मेडिकल डिग्री यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसी का मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर लिया है, तो मुंबई का एक ले लेते हैं और रतलम का ले लेते हैं। मान लीजिए मुंबई में आपकी 10 वैकेंसी है और रतलम में 20 वैकेंसी है, तो अगर सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पॉइंट्समैन को डाला है
तो आपको पॉइंट्समैन की नौकरी मिल जाएगी इन दोनों डिवीजन से किसी एक डिवीजन में, ठीक है। मुंबई में आपको मिल जाएगी या रतलम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसमें वैकेंसी 10 है तो इसमें 20 है तो इसी में आपको मिलेगी, ये भी हो सकता है आपको इस कम वाली वैकेंसी में मिल जाए, ठीक है, जिस भी डिवीजन में आपकी वैकेंसी हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और इसी तरह से आपको कुछ जो है डिवीजन अलॉट किए जाएंगे और इसी हिसाब से आपको वर्कशॉप भी अलॉट की जाएंगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं मुंबई में जॉब, अगर आपको मिल गई राजकोट में जॉब, ठीक है, मान लीजिए आपको मुंबई में चाहते हैं कि हमारी मुंबई में पोस्टिंग हो जाए लेकिन आपको जो है रेलवे बोर्ड ने राजकोट दे दिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रेलवे बोर्ड बाधित नहीं है कि आपकी बात सुने। रेलवे बोर्ड ने जो अगर कह दिया कि आपको राजकोट में ही जॉब करनी है तो आपको यहीं पर करनी पड़ेगी, मुंबई में कोई भी आपको नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है कि ये रेलवे बोर्ड का फैसला जो भी रहेगा वो आपके लिए मान्य रहेगा, ठीक है, उसके लिए आपको मानना पड़ेगा जो भी रेलवे बोर्ड इसका फैसला लेता है, ठीक है। फ्रेंड्स बात ये आती है कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर छात्र ने कमेंट करके पूछा है कि सर ग्रुप डी की भर्ती में जो यहाँ पर मैं पोस्ट प्रेफरेंस हमने दिया है क्या उसे हम बदल सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं? तो रेलवे बोर्ड ने साफ साफ इस चीज़ का रिप्लाई दे दिया है कि आप नहीं बदल सकते, यानी पोस्ट प्रेफरेंस संशोधित नहीं कर सकते, आपने जिस पोस्ट को भर दिया है वही पोस्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। फिलहाल ये था पूरा अपडेट और मैंने फुल आपको वीडियो में बता दिया जो कुछ मैं आपको बताने वाला था इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अदर कोई जोन का पैनल लिस्ट आएगा तुरंत आपको वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे।